अक्सर नेगेटिव टर्म में देखा जाता है, लेकिन जब हेल्दी सेल को बनाने की जरूरत पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल काफी काम आता है। अगर इसका लेवल जरूरत से ज्यादा हो गया हो तो कई गंभीर बीमारियों की वजह बन जाता है। आजकल की अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल इसके पीछे की अहम वजह मानी जाती है। कोलेस्ट्रॉल आपके खून में पाया जाने वाला मोम जैसा पदार्थ है जो अनहेल्दी फूड्स की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है और नसों में जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरी में होने वाली ब्लड फ्लो में दिक्कतें आती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक की स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे में कौन से डाइट हमें खाने चाहिए। पहला है टमाटर का जूस। टमाटर में लाइकोपीन नाम का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो आपके शरीर में लिपिड लेवल बेहतर कर देता है। टमाटर के जूस में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर और नियासिन होते हैं, इसे रोज एक गिलास भर कर जरूर पिए। अगला है बेरी स्मूदी। बेरी स्मूदी में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। ये ड्रिंक्स हेल्दी है और खाने में स्वादिष्ट भी है। अगला है ओट्स ड्रिंक। ओट्स एक हेल्दी डाइट है जिसमें बीटा ग्लूकेन्स पाया जाता है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा देता है, इसलिए रोज ओट्स ड्रिंक जरूर पिए। अगला है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटेचिन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कारगर है। पांचवा है सोया मिल्क। सोया मिल्क के जरिए आप अनचाहे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और इससे हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाता है। हर दिन कम से कम 25 ग्राम सोया दूध का सेवन जरूर करना चाहिए।